नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, हिंदी के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आप सबका स्वागत है। आज का जो हिंदी का टेस्ट है वो वहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो अवधि है वो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अवधि जो होती है दोस्तों, वो बेसिकली आपकी पूर्वी हिंदी की बोली होती है। दोस्तों इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, 31 मई को जो पेपर हुआ था, ये सारे पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए कह रहा है, विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त शब्द है। तो याद रखिए दोस्तों, विमुक्त करना या छूट देना, इसका मतलब क्या होता है भाई? एग्जेम्पशन, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपके इस समय पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है भाई, उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। उत्थान में अगर देखा जाए तो उत् प्लस थान होता है, यानी कि उत्थान। तो आपका ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये बेसिकली आपका एक संस्कृत का उपसर्ग है जो कि यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन दिए गए वाक्यों में देखा जाए तो पहला कह रहा है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो ये तो बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि इतनी रात गई आप कहाँ थे। तो यहाँ पर ये अशुद्ध है। यहाँ पर देखा जाए तो इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य लग रहा है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है भाई, यथा साध्य शब्द में समास है। यथा साध्य इसका मतलब होता है भाई सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार। इसमें अगर बात किया जाए कौन सा समास होगा, तो यथा साध्य यानी कि अव्ययी भाव समास, यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है, हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है। हरिश्चंद्र अगर बात किया जाए तो हरि प्लस चंद्र, इसका क्या हो जाएगा भाई? संधि विच्छेद अगर हम करेंगे, माफ़ कीजिएगा, इसका संधि विच्छेद कुछ इस तरह से होगा, हरि में विसर्ग लग जाएगा प्लस चंद्र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर विसर्ग लगा है, तो ऑप्शन जो इसका सी है, विसर्ग संधि, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी विसर्ग के बाद चा या छा आते हैं तो वो बड़ा शा या आधा शा हो जाता है, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर कह रहा है भाई, संभ्रम का विलोम क्या है। संभ्रम का विलोम क्या होता है? तो संभ्रम का विलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, संयम होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, ये कैसा वाक्य है। देखिए 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब भी यहाँ पर, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, यानी कि पहला वाक्य दूसरा वाक्य एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य, ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, देशार्पण में कौन सा समास है। तो अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर देशार्पण यानी कि देश के लिए अर्पण, यहाँ पर अगर देखा जाए देश के लिए अर्पण, तो यहाँ पर पहली बात तो तत्पुरुष होगा, लेकिन के लिए आया, किस में के लिए आता है भाई? संप्रदान में आता है। तो संप्रदान के लिए यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है, संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर कह रहा है भाई, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही क्या कहलाता है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही मानक भाषा कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है भाई, मानक भाषा कहलाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा, जो ये कृश शब्द है इसका उचित विलोम क्या होगा। तो भाई कृश का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा दुबला पतला, और तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कि निम्न शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा,
उपसर्ग रहित शब्द आपका अच्छा है, जो अच्छा शब्द है वो आपका उपसर्ग रहित, यानी कि उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं। शिथिल के शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है, शिथिल मतलब क्या होता है भाई, जो थोड़ा बहुत ढीला ढाला हो, यानी कि यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन जो इसका सी है, सुस्त ढीला धीमा, ये आपका शिथिल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है। विलोमार्थी नहीं, यानी कि विलोम अर्थ दोनों आपस में विलोमार्थी नहीं है। तो यहाँ पर निंदा परनिंदा अगर देखा जाए तो निंदा परनिंदा ही आपका उचित विलोमार्थी नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से कह रहा है कि अब तुम जाओ, ये कैसा वाक्य है। अब तुम जाओ, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये एक आज्ञा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन जो इसका सी है, आज्ञावाचक वाक्य यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आज्ञावाचक वाक्य किसके अंतर्गत आता है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद किए गए हैं उसके अंडर में आता है आज्ञावाचक। और अब तुम जाओ यहाँ पर एक आज्ञा दिखाया जा रहा है, कि आज्ञा दिया जा रहा है कि नाउ यू गो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नांकित में सही वर्तनी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए अश्वत्थामा कौन सा बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला अश्वत्थामा है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है लिखा गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अगर याद रखिएगा जो पहाड़ी इलाके होती है वहाँ पर गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, ये सारी जो भाषाएं होती हैं वो आपकी पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस रस के संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि हैं। तो याद रखिएगा उग्रता गर्व हर्ष आदि, ये दोस्तों आपका बेसिकली किसके क्या बोलते हैं संचारी भाव हैं, ये आपके वीर रस के हैं। वीर रस में ही उग्रता होती है, गर्व होता है और क्या बोलते हैं हर्ष होता है, ये सारी चीज़ें वीर रस के अंडर में होती हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है। हेडमास्टर याद रखिएगा, हेडमास्टर में हेड जो है वो आपका एक उपसर्ग है, और जो हेड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो हेडमास्टर में हेड जो है आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भाई हार मान लेना, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है हार मान लेना वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो व्यंजन संधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है, गंगा प्लस उदकम, देखा जाए तो गंगा प्लस उदकम जो है वो आपका आ प्लस बड़ा उ मिलके ओ हो जा रहा है, यानी कि ये आपका व्यंजन संधि का नहीं, ये गुण संधि का, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए गुण स्वर संधि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ए प्लस सी हो रहा है। तो ऑप्शन जो इसका ये सी है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है भाई समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। तो समोच्चरित यानी कि समुच्चारित, तो पृथक पृथक, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन जो डी है पृथक और पृथक जो है ये आपके समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ये भिन्ना भिन्न नहीं है, ये देखो पृथक पृथक एक ही जैसे लग रहे हैं, शील शील है, शंकर शंकर है, जरा जरा है, तो ये आपके भिन्नार्थक शब्द हैं, बल्कि पृथक पृथक देखा जाए तो ये आपका भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ये पुनरुक्त शब्द हैं। समझ गए दोस्तों, ये कैसे शब्द हैं, पुनरुक्त शब्द हैं, पुनः प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो उनका अर्थ भी समान ही होता है, जैसे कि पृथक पृथक यहाँ पर दिया गया है। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो आपसे यहां पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी।
देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर पंक्ति दिया गया है और आपसे पूछा गया है इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों अलंकार कौन सा होगा, यहाँ पर देखा जाए तो विभावना अलंकार हो जाएगा। विभावना अलंकार क्या होता है भाई? विभावना अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर बिना किसी कारण के भी कार्य सिद्धि हो रही हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे पाँव नहीं है फिर भी चल रहा है, यानी कि पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, भाई बिना पैर के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं। कर बिन कर्म करे विधि नाना, समझ गए ना क्यों यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वही आपका 6 वाक्यांश दिए गए हैं, या से ला तक मिलाना है। तो स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व तो आज विद्यार्थियों पर है, यानी कि नंबर 1 पर हो जाएगा। संपूर्ण भारत का संपूर्ण दायित्व तो आज विद्यार्थियों पर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल उन्नति और उत्थान इन्हीं पर क्या बोलते हैं निर्भर करता है। यहाँ पर हो जाएगा वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे, ये तीसरे पर आ जाएगा। तथा उन्नति और उसका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है, समझ गए। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले ला आया है और ला सिर्फ और सिर्फ इसी में आ रहा है। तो ला या वारा ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का। अभी 150 से बढ़ा नहीं रहा हूँ, तो प्लीज़ 150 लाइक्स आप लोग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 कह रहा है अब लो नसानी अब न नसे हो में कौन सा रस है। अब लो नसानी अब न नसे हो, इस पंक्ति में देखा जाए तो शांत रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों आपका? शांत रस हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे यहाँ पर कह रहा है दो वर्णों का मेल, यानी कि दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? समास? नहीं भाई, वो दो जो दो वर्णों का मेल होता है वो आपकी संधि कहलाती है। जैसे कि आपका आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा हो जा रहा है, आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है। तो भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर देखा जाए तो इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? इसका लोकोक्ति तात्पर्य है प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है भैया, प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे यहां पर कह रहा है अंशु और मयूख ये जो हैं ये पर्यायवाची हैं, तो किसके पर्यायवाची हैं? तो अंशु और मयूख जो होता है दोस्तों वो आपका किरण का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है किरण वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा वाक्य शुद्ध है 29 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है कह रहा है कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। इसके अलावा रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो ये थोड़ा सा अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे तीनों आपके अशुद्ध हैं, बट आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समाप्त हो रही हैं, यानी कि समाप्ति बोधक हुआ है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द क्या है। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर देखा जाए तो सरसों भैया पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। मकई भी आपका स्त्रीलिंग है और मूंग भी आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ पर पुल्लिंग की बात करते हैं तो जो सारस है, सारस ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि और सारे के सारे आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो देखा जाए तो पहला तो आपका भविष्य काल हो जाएगा। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो ये आपका पढ़ा यानी कि ये आपका भूतकाल हो गया, और वर्षा हो रही थी ये भी आपका भूतकाल हो गया, जबकि यहाँ पर वह कोलकाता जाता है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सामान्य वर्तमान काल है, समझ गए। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पवन के पर्यायवाची शब्द भाई समीर होते हैं, मारुत होते हैं, वात होते हैं, जबकि अनल जो होता है वो आपका आग का पर्यायवाची शब्द होता है, अनल अग्नि, समझ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं। कई बार आपको बता चुका हूँ पश्चिमी हिंदी के अंडर भाई कौन कौन सी आती है। भाई खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, बघेली नहीं आती है भाई, बघेली नहीं आती है, और ये बांगरू भी नहीं आती है। इसके अलावा आपकी अवधी भी नहीं आती है। इसके अलावा यहाँ पर अवधी, बिहारी, ये सारी ब्रज वाली, ब्रज तो आती है माफ़ कीजिएगा, अवधी बिहारी नहीं आती है। जबकि यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन सी में जो भी बोलियाँ दी गई हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, ये सारी की सारी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है। तो शिल्पगत आधार पर दोहे का जो उल्टा होता है, दोहे मतलब दोहे में क्या होता है, 11-13, 11-13 की मात्राएं होती हैं, और सोरठा जो इसका विलोम होता है उसमें 13-11, 13-11 की मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, धुआं, संध्या, तो पढ़ के बता सकते हो संध्या जो है वो आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि धुआं, भत्ता, धावा, ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए अब आते हैं सीधे 42 नंबर क्वेश्चन पर। 36 से 37 से लेकर 41 तक छोड़ दिया, बिकॉज वे गंदाज वाले क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो अकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त है, तो याद रखिएगा शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है और छात्रा लिख रही है, इन सब में देखा जाए तो कर्म तो किसी में भी नहीं है भाई। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में रखते हैं, मैं इसको अगले वाले में क्लियर करूंगी। ये हमें लग रहा है सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। तो शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है और छात्रा लिख रही है, तो सारे के सारे यहाँ पर देखा जाए तो कर्म किसी में भी नहीं है। बट कोई नहीं, तो यहाँ पर ये हमें लग रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिए गए हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विजयदशमी शब्द में संज्ञा है। तो विजयदशमी जो शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी है। तो विजयदशमी एक त्यौहार है और यहाँ पर एक अकेला त्यौहार होता है, यूनिक होता है, यानी कि यहाँ पर पर्सनल हो जाएगा, यानी कि विजयदशमी हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर वही कर रहा है भाई, त्रुटि वाले ढूंढना है, चार वाक्य दिए गए हैं, अगर कोई त्रुटि नहीं हो तो डी पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर, तो इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर देखा जाए तो 44 में ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए था इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 45 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो उच्चतर है, ऑप्शन जो इसका सी उच्चतर है, ये आपका देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, समझ गए। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये उच्चतर यानी कि उच्च प्लस तर यानी कि तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय है, यहाँ पर उच्च जो है सॉरी उत्तर है, समझ गए। तो इस शब्द में देशज प्रत्यय उदाहरण जो है नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के जो दोहे हैं वो प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक इनका दोहा जो है काफ़ी फेमस है, ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सुना है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा है जो कि सबकी जबान पे रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है कि कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। तो दोहा और रोला इन दोनों छंदों से मिलकर बनने वाला जो छंद है वो आपका घनाक्षरी है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोहा और रोला छंद से मिलकर, माफ़ कीजिएगा, घनाक्षरी तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर दोहा और रोला कह रहा है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो दोहा और रोला की अगर हम बात करते हैं तो कुंडलिया बनता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ऑप्शन जो इसका सी है कुंडलिया वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक संयुक्त विषम मात्रिक छंद होता है, इसके प्रथम चार चरण दोहे के और तीन दो चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं, यानी कि दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया बनता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है। तो रंग में भंग सुना होगा आप सभी ने, तो रंग में भंग जो आख्यानक गीत, ये एक बेसिकली नाटक है और ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इत्यादि, इति प्लस आदि, यानी कि आपका
यड़ संधि हो जाएगा। इसके अलावा सूर्योदय, तो सूर्योदय में आपको पता है उपलसा होता है, यानी कि आपका गुड़ संधि हो जाएगा भैया। इसके अलावा हिमालय, हिमधनालय, तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। पवन, पोधन, अन, यानी कि अयादि संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 किस में आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं आज की होमवर्क की तरफ। तो आज का होमवर्क आपके सामने ये रहा कि भाई तत्सम शब्द यहाँ पर छाटना है, या चारों में तत्सम क्या है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमको फॉलो कर लें। और टारगेट है आज का 150 लाइक, तो प्लीज़ करना मत भूलिएगा। तो बिल्कुल बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।